और चंडीगढ़ की जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में लूट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी के एसएचओ ने यह बताया है कि आरोपियों को चंडीगढ़ और पंचकुला की अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। 31 दिसंबर को एक व्यक्ति ने से आरोपियों ने 5,000 रुपए की लूट की। 5 फरवरी को सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन से 77,000 रुपए की लूट की गई थी। 3 और 4 फरवरी को कालका हावड़ा ट्रेन से 25,000 रुपए और मोबाइल लूट लिया गया। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इस साल जब से जनवरी 2022 से लगातार ट्रेनों में वारदात होती है और ज्यादातर जो रात्रि की ट्रेनें हैं सद्भावना इंटरसिटी कालका हावड़ा एक्सप्रेस इनमें रात्रि के समय लूटपाट हो रही थी। तो हमने इसमें 3 मुकदमे हमारे पास दर्ज थे। 77,000 की थी चोरी, आईफोन 25,000 कैश था, 5,000 थे, सभी स्नैचिंग थी। तो हमने इसमें 5 आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया और 5 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया। इनसे एक आईफोन और करीब 25,000 रुपये रिकवर किए जा चुके हैं और पुलिस रिमांड के दौरान इनसे और भी रिकवरी जो इन्होंने लूट की हुई है वो की जाएगी। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए सफर करने वाले हों या फिर चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए सफर करने वाले यात्री जो ट्रेन के अंदर अपना सफर करते थे, उन लोगों के ऊपर अटैक कर, उन्हें धमका कर, उन्हें चाकू की नोक पर लेकर या देसी कट्टे की नोक पर लेकर लूट करने वाले 5 लोगों के गिरोह को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। इन 5 आरोपियों में विक्की, मोहम्मद जावेद, दीपक, सरबजीत सिंह, गुरजीत सिंह सहित अन्य आरोपी शामिल हैं। अभी इनके बाकी साथियों का पता किया जा रहा है। जीआरपी चंडीगढ़ ने इन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। इन 5 पर आरोप है कि इन्होंने सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन हो या फिर कालका हावड़ा ट्रेन हो, इन ट्रेन के यात्रियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि पुलिस को शक है कि इन आरोपियों ने इन ट्रेन के अलावा राजधानी हो या फिर अन्य ट्रेन हो उसके अंदर भी वारदात को अंजाम दिया है। अभी तक की पुलिस की जो पूछताछ हुई है उसके अंदर चौंकाने वाली बात यह सामने आई है, इनका जो लूट करने का जो फॉर्मूला था वो पता लगा है। जो ड्रोर के साथ का 5 से 10 फुट के करीब का जो एरिया होता था, जो सीटिंग एरिया होता था, वहां अपना सामान रखते थे। जो मौके पे पैसेंजर होते थे उनके साथ जान पहचान बढ़ाते थे, जहां का वो अपना सफर बताते थे, बिल्कुल उनको बताया जाता था कि भी वो भी इसी शहर के अंदर जा रहे हैं। कपड़ों से भरा एक बैग उनके पास रखा जाता था, उन्हें कहा जाता था कि वो भी उसी शहर में जा रहे हैं जहां आप जा रहे हो। उसके बाद जान पहचान बढ़ने के बाद वॉशरूम के बहाने उनके पास कपड़ों से भरा बैग छोड़ दिया जाता था, उन्हें विश्वास में लिया जाता था, बताया जाता था कि वो भी उनकी तरह आम यात्री हैं। ऐसे में जब सामने वाले पैसेंजर को उन पर यकीन हो जाता था और ट्रेन स्टेशन से निकल कर 4 से 5 किलोमीटर दूर किसी शहरी एरिया से बाहर निकल जाती थी तो वहां वो वारदात को अंजाम देते थे। इन 5 में से 3 युवक एक बोगी में तो 2 युवक दूसरी बोगी में वारदात को अंजाम देते थे। इस दौरान उनकी तरफ से चाकू पर पैसेंजर्स को लिया जाता था, देसी कट्टे की नोक पर लिया जाता था, उसके बाद सामने वाले पैसेंजर से कैश, मोबाइल, ज्वेलरी सहित अन्य सामान को लूट लिया जाता था। वहीं इन लुटेरों की एक ट्रिक पता चली है कि जब इन्हें लगता था कि गेट के जो पास का एरिया है वहां पर कोई पैसेंजर ठीक तरीके का नहीं बैठा है, जिसके पास कैश नहीं है या कोई कीमती सामान नहीं है, तो ये आरोपी उन पैसेंजर्स को नहीं छेड़ते थे, उसके बाद दूसरी बोगी के अंदर चले जाते थे। जब कोई पैसेंजर नहीं मिलता था तो ये खुले तौर पर प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करने के मायने ये होंगे कि ये रेलवे स्टेशन से जब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेन निकल जाती है या किसी शहर के पास पहुंचने वाली होती है, उस शहर से पहले ही खुले एरिया के अंदर ट्रेन के गेट से कूद जाते थे। यानी एक वारदात को अंजाम देने के लिए करीब 4 से 5 बार प्रैक्टिस की जाती थी। जीआरपी को शक है कि इन आरोपियों से करीब 1 दर्जन के करीब वारदातों का खुलासा हो सकता है। इन 5 ने बताया है कि वो राजधानी एक्सप्रेस हो, सद्भावना एक्सप्रेस हो, कालका हावड़ा एक्सप्रेस हो, इसके साथ साथ कई अन्य ट्रेन के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।